हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल को देखने वाले हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलीनोमियल। तो ध्यान रखना, दो बहुपदों के योग और अंतर निकालने के लिए ध्यान रखना होगा कि उसमें उन्हीं पदों को जोड़ा जाता है, यानी उनका योग निकाला जाता है या अंतर निकाला जाता है जो सजातीय हो। ठीक है, सजातीय पदों के साथ सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जाएगा, सजातीय पदों के साथ सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास दे दे एक बहुपद दे दे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और एक दूसरा बहुपद दे दे एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस का सेवन, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है, योग निकालना है, तो योग देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन। तो आपको क्या करना होगा, इसमें सजातीय पदों को देखना होगा, ये और ये सजातीय पद है, इसको इसको जोड़ेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का सेवन एक्स और प्लस का तीन और सात दस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए इन्हीं का अंतर निकालना था, ये तो रहा योग की बात, और मान लीजिए आपको अंतर निकालना होगा इन्हीं दोनों का, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन को। किस तरीके से, तो ध्यान रखेंगे ब्रैकेट हटाएंगे, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का फाइव एक्स, माइनस का सेवन, ये इससे कट जाएगा, माइनस का थ्री एक्स माइनस का फोर, ये आपका अंतर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, योग और अंतर निकालने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि सजातीय पदों को एक साथ जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, जोड़ना होगा साइन के अनुसार, प्लस माइनस में हो, देखो ये प्लस में माइनस में तो घटाएंगे और उसी के अनुसार यहाँ चिन्ह लगेगा। तो ये सब चीजें तो आप जानते ही है ना जी, ये प्लस में है या माइनस में है, तो टू एक्स में से फाइव घटाएंगे तो माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है, जहां जोड़ना होगा वहां जोड़ेंगे, जहां घटाना होगा वहां घटाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ और योग और अंतर देख लेते हैं और फिर गुणनफल को देखेंगे। मान लीजिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास दे दे टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई थ्री एक्स प्लस का सेवन में जोड़ना है आपके पास आपका एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का एलेवन बाई थ्री। तो आपको करना क्या होगा कि सजातीय पदों को एक साथ टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री एक्स माइनस का फाइव एक्स प्लस का सेवन प्लस का एलेवन बाई थ्री। अब इनको अलग अलग यहाँ एलसीएम लेके बनाना होगा, एलसीएम होगा थ्री, टू एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे डिनोमेटर में कुछ हर में क्या है, एक है, एक में सेवा करें तीन, तीन जाके ऊपर गुणा करेगा तो तीन एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे तीन, यहाँ पर एक्स माइनस, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो वन, वन में भाग करेंगे तीन से तीन, तीन पंजे पंद्रह एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे थ्री तो यहाँ हो जाएगा इक्कीस और प्लस का ग्यारह। चलिए पांच बट्टा तीन एक्स स्क्वायर माइनस का चौदह बट्टा तीन एक्स, देख रहे ना घट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का आपका बत्तीस बट्टा में तीन। ठीक है, तो इस तरीके से योग निकलेगा। मान लीजिए यहीं पे प्लस की जगह अब माइनस ले लेता, अंतर निकालना होगा तब क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर दे दे तब क्या करेंगे, चलिए अंतर देख। तो अंतर निकालने के लिए सबसे पहले तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई थ्री एक्स प्लस सेवन, माइनस है तो इसलिए इन सबका साइन चेंज होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस का फाइव एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का इलेवन बाई थ्री। चलिए एक साथ कर लेते हैं, टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री एक्स प्लस का फाइव एक्स प्लस का सेवन माइनस इलेवन बाई थ्री, यहाँ एलसीएम होगा थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस या डिवाइड वन है नीचे, इसमें भाग करेंगे तीन, तीन एकम तीन हो जाएगा, यहाँ पे तीन एलसीएम, इसमें से भाग करेंगे एक, एक जाके एक्स में गुणा करके एक्स ही आएगा, या नीचे एक है एक, एक में तीन से भाग करें तीन, तीन पे पंद्रह एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तीन, या नीचे कुछ नहीं तो एक में तीन से भाग करें तीन सात तीन इक्कीस माइनस, इसमें से भाग करेंगे एक, एक जाके ग्यारह में गुणा करेगा ग्यारह, तो आ जाएगा माइनस का वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सोलह बट्टा तीन एक्स और यहाँ प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा दस बट्टा में तीन। तो इस तरीके से अंतर निकालेंगे। तो योग और अंतर समझ में आ गया, सजातीय पदों के साथ सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। अब गुणनफल की बात अब करते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया ये दो बहुपद, इनका गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस टू इंटू में एक्स क्यूब माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन। चलिए इंटू करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या आता है, पहले एक्स स्क्वायर में गुना कर देंगे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन से, फिर माइनस थ्री एक्स में गुना कर देंगे एक्स क्यूब माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से,
और फिर प्लस टू से गुना कर देंगे एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस एक्स प्लस 1 से इस तरीके से गुना किया जाता है। एक एक करके सभी टर्म में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ गुना करेंगे तो देखो x का पावर 5 माइनस का 6x का पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस का 3x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6 18 हो जाएगा ना, x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, 2x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x क्यूब x का पावर 5 वाला अकेले है, अब देखिए इसके बाद x का पावर 4 वाला टर्म यहाँ पे ये है और ये है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9x का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब x क्यूब वाला टर्म देखिए यहाँ पर ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 19x क्यूब 18 और 19 ना हो जाएगा, सॉरी ये 2 छूट गया, 18 2 20 21 हो जाएगा यहाँ पर, 21x क्यूब होगा, ठीक है यहाँ पर 21x क्यूब हो जाएगा, 21x क्यूब देख रहे हैं ना, ये है और ये है, तो अब एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे ये है, यहाँ है, यहाँ है, और कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या, ये 3 टर्म दिख रहे हैं ना, तो ये 15 और ये प्लस का 1 तो माइनस 14x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब एक्स वाला टर्म देखिए तो ये है और ये है, और कोई तो एक्स वाला टर्म है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स और कॉन्स्टेंट में सिर्फ प्लस का 2 है, समझ गए, तो यही आपका गुणनफल आ गया। अच्छा आगे आपका एक टॉपिक इसमें दे रखा है बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, इसके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे कि जो आपके पास बहुपद होता है उसके उनके जितने भी उसमें चर होंगे चर का सबसे महत्तम घातांक जो होगा ना वही बहुपद का घात होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस का 2x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ देखिए पावर 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा यहाँ 3 है तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, घातांक यहाँ पे सबसे महत्तम यही ना 3 दिख रहा है इसलिए ये बहुपद का घात हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि बहुपद में चर का सबसे ज्यादा पावर जो होगा ना वही उसका घात हो जाता है, सबसे ज्यादा जो उसका घातांक होगा वही इसका क्या होता है घात हो जाता है, समझ गए। अच्छा ये भी बताया था कि शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, ये सब चीजें हम लोग जान चुके हैं, तो हमें मेनली यहाँ पे योग अंतर और गुणनफल से ही मतलब था। चलिए अगला देखिए यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंतर निकालना है बहुपद पी वाई और क्यू वाई का अंतर पूछ रहा है, यानी पी वाई में से क्यू वाई घटाने का मतलब है कि यहाँ लिख देंगे 3x का पावर 7 माइनस 2y, सॉरी 2y का 3y का पावर 7 है ना, माइनस 2y का पावर 2 प्लस 3 माइनस y का पावर 6 माइनस 3y का पावर, x लिखने की बार बार आदत हो गई है ना, प्लस का y स्क्वायर प्लस y। चलिए अब इसको आगे देखते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, 3y का पावर 7 माइनस 2y स्क्वायर प्लस का 3 माइनस y का पावर 6, साइन चेंज होगा यहाँ पे, प्लस का 3y का पावर 4 माइनस y स्क्वायर माइनस y। चलिए देखिए y का पावर 7 वाला अकेले है, फिर पावर 6 वाला, फिर पावर 5 वाला नहीं है, पावर 4 वाला है, 3y का पावर 4 ये अकेले है, y का पावर 2 वाला ये है और ये है, तो यहाँ 3y का पावर 2 हो जाएगा, y वाला टर्म ये एक अकेले है, अच्छा फिर प्लस का 3 है, यही ना आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से योग अंतर और गुणनफल को देखना है, कुछ खास नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।